शाहजहांपुर में 11 अप्रैल को कर्मचारी की पीट पीट कर हत्या करने वाला दबंग हौजरी कारोबारी कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इस मामले में दो और पीड़ित सामने आए हैं जिन्हें दबंग हौजरी कारोबारी ने खंभे से बांधकर पीट कर स्विमिंग पूल में डालकर करंट भी लगाया। पिटाई से घायल कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिन्होंने साथी कर्मचारी की हत्या में फरार दबंग और ऊंची पहुंच रखने वाले हौजरी कारोबारी से अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। फिलहाल पुलिस के आला अफसर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र के कन्हैया हौजरी शोरूम के गोदाम में 11 अप्रैल 2023 को शिवम जौहरी नाम के कर्मचारी को खंभे से बांधकर पीट पीट कर मार डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी और ऊंची पहुंच रखने वाला दबंग हौजरी कारोबारी नीरज गुप्ता अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। सूत्रों की माने तो आरोपी शहर में ही मौजूद है, लेकिन ऊंचा रसूख रखने के चलते पुलिस उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। ऐसे में दबंग हौजरी कारोबारी का एक और कारनामा भी सामने आया है। गोदाम में काम करने वाले दो कर्मचारी रामनिवास और संजू को भी खंभे से बांधकर पीट पीट कर घायल किया गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें छत से उल्टा भी लटकाया गया और स्विमिंग पूल में डालकर फिर उन्हें करंट का झटका दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि हौजरी कारोबारी नीरज गुप्ता बेहद दबंग है, वो अपने कर्मचारियों के साथ कई बार मारपीट कर चुका है। अस्पताल में इलाज करा रहे पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि दबंग हौजरी कारोबारी ने उसे और उसके परिवार को धमकी दी थी कि अगर पुलिस के सामने मुंह खोला तो उनके परिवार को खत्म कर देगा। फिलहाल घायल पीड़ितों ने दबंग हौजरी कारोबारी से अपनी जान को खतरा बताया है। फरार कारोबारी नीरज गुप्ता के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। मुझे मेरे लिए खतरा भैया, जो मैन आदमी अभी आए है वो फरार आए, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार वालों को, किसी को कर सकता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सुरक्षा भैया, घर पर रोने मतलब कुछ भी कर सकता है। सुरक्षा चाहिए मुझे, घर परिवार को, अपने अपने लिए, सबके लिए सुरक्षा चाहिए मैं, जब तक गिरफ्तार नहीं हो रहा वो। कैसे टॉर्च करता था वो भैया? टॉर्च से तुम्हें उठा के बंद कर दूंगा, नदी में फेंकवा दूंगा, जा नहीं पाओगे कहीं, तो निकल के तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। तुम्हारे बच्चों तक को मरवा दूंगा मैं, बहुत टॉर्चर करा, बहुत जब भी, तो बहुत भैया, तुम्हारे बच्चों को मारूंगा जरा, किसी तुमने किसी से कहा जाके बाहर। आपको कैसे यातनाएं दी? मुझे बहुत महाराज में बांध के साले ने, हम तो बहुत दुखी हैं से। पैर उसके लोहे के राटे हैं, राटों से भी मारा मुझे, राट और एक कोड़ा है जो चलाने वाला, उससे एक रिवॉल्वर था उनके पास, टंगा हुआ उनके पास, कई साले जाते चिल्लाएगा, मारे भागेगा साले, तो गोली मार देंगे। नीरज बोलता था? हाँ, बहुत धमकाया मुझे उनने। कितने लोगों को मारा पीटा था होगा वहाँ? तो 100 से 150 आदमी है भाई, नौकर है, मारा 8-10 लोगों ने होगा। मगर आदमी डर तो डर ही है, इतना आदमी है। देखिए ऐसा अभी बता रहे कि दो कर्मचारियों को पहले पिटाई की गई थी, उनका भी मुकदमा लिख लिया गया है और उनको इलाज कराया जा रहा है, इसमें शामिल किया गया है। और अन्य भी अगर कोई सामने आता है जिन्हें जो पुराने आपराधिक इतिहास है या इस तरह की आपराधिक घटनाएं की हैं, तो उनको भी संज्ञानित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। संदेश तत्पर है हमारे लोग, हमारी जो सरकार की मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, हम किसी को के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। अपराधी को अपराधी दर ट्रीट किया जाएगा, जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है, और कैसा भी आदमी हो, समाज के किसी वर्ग का हो, अगर अपराध करता है तो उसको अपराधी के साथ ट्रीट किया जाएगा। और वही हुआ है, हमारी टीम ने बहुत ही जल्दी इनको पकड़ा और खुलासा किया, ऐसा जेल जा रहे हैं।